Hey guys, welcome to another unboxing video on my channel Not So Cheesy Life. इस बार मैं आप लोगों के लिए क्या एक छोटी सी कैची जिससे हम अनबॉक्स करेंगे इस पर्टिकुलर बॉक्स को. तो आइए देख लेते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या है. मगर मीनवाइल इस बॉक्स के बारे में इतना सा बता दूं कि ये डिजिटेक की लाइट है एंड इसका कोड है DRL18HC9. क्या है, कैसा है, सब कुछ देखेंगे. आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर. सो गाइस, दिस इज द बॉक्स. बहुत सारी चीजें इस बॉक्स को देखने से क्लियर हो जाएंगी. सबसे पहली चीज, मैंने आप लोगों को मॉडल नंबर ऑलरेडी बता दिया है, DRL18HC9. DRL18 का मतलब है डे टाइम रनिंग लाइट्स, 18 का मतलब है 18 इंचेस का ये लाइट होने वाला है. एंड ऑन द अदर हैंड HC का मतलब मुझे नहीं पता, 9 का मतलब है इसके साथ एक कॉम्बो पैक है. यहां लिखा हुआ है 9 फीट का लाइट स्टैंड, यानी कि ट्राइपॉड इसके साथ मिल रहा है. इसकी कॉस्टिंग डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. थोड़ा सा कम अमाउंट अगर आप स्पेंड करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे ट्राइपॉड की जरूरत नहीं है, तो इसका एक लोअर वर्जन है जो 1000 कम के डिफरेंस में आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा. लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डाल दूंगा, जो भी आप लोगों की सुटेबिलिटी के हिसाब से हो उसको आप ले सकते हैं. मूविंग ऑन फर्दर, इट इज अ 55 वॉट पावर्ड लाइट. उसके साथ 3200 to 5600 केल्विन्स का टेम्परेचर है एंड 500 लक्स का लाइट इल्यूमिनेशन है. आगे बढ़ेंगे, बॉक्स को खोलते हैं और बॉक्स को खोलने के साथ देखते हैं कि इसके अंदर कैसा प्रोडक्ट निकलता है. Amazon की तरफ से Amazon का टेप, उनकी ब्रांडिंग और ब्रांडिंग के साथ कुछ लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर एफर्ट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, ऐसा कुछ. ठीक है, लीफलेट है, उनकी जिम्मेदारी हमने निभानी है. आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इस बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं इसका प्रोडक्ट कंटेंट. आई गेस ये हमारा ट्राइपॉड होने वाला है. काफी सारी चीजें हैं, इसमें भी बहुत कुछ लिखा हुआ है. एक एक करके बॉक्स अनबॉक्स करेंगे, मगर सबसे पहले हम इस बॉक्स को एक तरफ निकाल देते हैं, इसके मेजर कंटेंट्स जो है वो बाहर निकाल लेते हैं. ओके, आई गेस इस बॉक्स के अंदर अभी कुछ नहीं बचा. बॉक्स के अंदर कुछ नहीं बचा भाई, तो बॉक्स को पटकते हैं एक तरफ. पहला बॉक्स जो हम अनबॉक्स करने वाले हैं वो ये है. सेकंड बॉक्स जो हम अनबॉक्स करेंगे वो ये रहने वाला है. इसमें से ट्राइपॉड निकलेगा, कुछ क्लिप्स वगैरह निकलेंगे, वो भी हम देखेंगे. यहां देखिए मॉडल नंबर आपको साफ नजर आ रहा होगा, DRL18H. दिस इज 18 इंचेस का लाइट, इसीलिए 18H लिखा हुआ है. बॉक्स को खोलते हैं, लेट्स चेक द बॉक्स कंटेंट्स. थोड़ा सा बॉक्स फट गया, बट ठीक है, ये बॉक्स बार बार काम नहीं आएगा, इसलिए अगर ये फट भी गया तो कोई इश्यू नहीं है. अरे यार बहुत ही बढ़िया, मतलब आई हैव अ कैरिंग केस विद मी. इस बॉक्स को भी एक तरफ रख देते हैं. मेरे ख्याल इसमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है. नो, नथिंग इज अवेलेबल इनसाइड. कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है बॉक्स के पीछे, कंटेंट ये सारा सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अभी लाइट एक बार देख लेते हैं कि लाइट कैसा है. कैरिंग केस हमें दिया गया है, कैरिंग केस इज ऑल्सो ऑफ अ गुड क्वालिटी. मतलब हाँ, लाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी अच्छा है. ये यार 18 इंचेस का लाइट है, इसमें काफी लाइट वेट है. कुछ लीफलेट है, लीफलेट के अंदर कुछ डिस्क्रिप्शन हैं, छोटी छोटी सी चीजें बता रखी हैं, क्या क्या लाइट है, किस तरीके से इस लाइट को यूज करना है, ये सारी चीजें होंगी, इसको डेफिनेटली पढ़ेंगे. इसका एक PDF भी मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंक्लूड करा दूंगा. आई हैव अ चार्जिंग एडेप्टर विद इट. रबर बैंड खोल लेते हैं और क्या क्या चीजें भाई. एक केस है जो कि आई गेस या फोन और कैमरा होल्डिंग केस है. इट्स एक्सपेंडेबल, थोड़ा सा ओके क्वालिटी है. दिस इज द चार्जिंग केबल, काफी लंबी केबल है. एंड ऑन द अदर हैंड दिस इज द क्लैंप जिससे हम ट्राइपॉड पे इसको क्लैंप करेंगे. राइट, तो ये सारी चीजें भी एक तरफ रख देते हैं, बॉक्स एक तरफ रख देते हैं. लेट्स अनबॉक्स द सेकंड बॉक्स नाउ और फिर देखते हैं कि इस बॉक्स के कंटेंट्स क्या क्या है. गाइस काफी हैवी ड्यूटी लग रहा है मुझे, ये काफी बल्की है, इट्स गुड. एंड आई एम हैविंग 3 क्लिप्स जिससे मैं शायद एक्सटेंशन इसका कर पाऊंगा. ओके, मैंने एकदम से खोला, एकदम बूम आम की तरह ये निकल गया. गाइस काफी अच्छा हाइट होने वाला है इसका. ओके, आई गेस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए. ओ ये है इसका अनबॉक्सिंग, कुछ थोड़ा सा सोल्यूशन समझने में देर होगी. ओके,
तो लास्ट वाला आम नहीं खुलना था यार, लास्ट वाला आम नहीं खुलना था, आई गेस लाइट को थोड़ा सा लास्ट में रख देते हैं, देख लेते हैं कि एक्सटेंशन किस तरीके से होगा। ओके गाइस, तो ये फुल फ्लेजेड इसका, अच्छा ये इस तरीके से गाइस, क्या आप इसको चाहो तो इसको भी एक्सटेंड कर सकते हो एंड यू कैन लॉक इट आउट। अभी ये कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा, आप इसको ओपन करेंगे तो ये वापस नीचे की तरफ चला जाएगा। जितना बड़ा बेस आपको देना हो आप उसको दे सकते हैं। मूविंग ऑन, इसको भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, काफी सारी चीजें हैं। एंड अभी तक जितना मुझे लग रहा है दिस लाइट इज हैविंग, दिस सॉरी लाइट नहीं, दिस स्टैंड इज हैविंग का स्प्रिंग मैकेनिज्म वाला फीचर एज वेल, तो काफी हैवी ड्यूटी डिजिटेक का लाइट स्टैंड है और लाइट के हिसाब से बहुत बढ़िया है। पैर वैर लगेगा तो शायद गिरेगा नहीं, इसको एक बार हम क्लैंप करके भी देख लेंगे। सो गाइस, दिस इज द लाइट जो कि हम लोगों ने पूरा सेट कर लिया है आप लोगों के लिए। कुछ क्लैंप्स यहाँ दिए हुए हैं चारों तरफ, एक कैमरा क्लैंप इधर दिया हुआ है, एक कैमरा क्लैंप इधर दिया हुआ है, इधर है, इधर है, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा डेफिनेटली, मगर उससे पहले आप ये क्लैंप देख लीजिए। दिस इज योर कैमरा क्लैंप, इसको आप मोबाइल होल्डर की तरह भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली कैमरा क्लैंप में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर नीचे की तरफ एक स्क्वायर क्लैंप दिया हुआ है जिसको आप 90 डिग्री रोटेट करके भी अपना कैमरा यहां फिट कर सकते हैं, बहुत ईजी है। फोन भी आप यहां इजीली फिट कर सकते हैं, उसके लिए आपको इसको इधर अटैच करना पड़ेगा। मीनवाइल अगर आप सिर्फ फोन यूज करना चाहते हैं तो ये क्लैंप आपको अलग से दिया हुआ है। अभी थोड़ा टाइट हो गया शायद इसलिए खुल नहीं रहा, बट दिस इज अ ऑब्वियसली जो मैंने आपको बताया था, दिस इज अ एडजस्टेबल क्लैंप जिसको आप यहां पर फिट कर सकते हो, बहुत ईजी है इसको फिट करना, इट्स गॉट टू बी स्क्रूड ओवर हियर। गाइस ये स्क्रू हो चुका है, अब आप चाहो तो अपना कैमरा आप यहां फिट कर लो। अगर आपको डबल लोकेशन शूट चाहिए तो आप कैमरा यहां पे भी फिट कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। बैक साइड में चलते हैं थोड़ा सा तो बेटर क्लैरिटी मिल जाएगा आपको, ये आप कैमरा यहां फिट कर सकते हो। दैट इज अगेन अ इजी टास्क फॉर यू ऑल, ठीक है। जिस तरीके से इसको रोटेट करना हो उतना रोटेशन आप कर सकते हो, 360 डिग्री रोटेशन पे है ये डिवाइस। ये दो बैटरी कंपार्टमेंट्स हैं, बैटरी के मॉडल्स मैं आपको डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंक्लूड करा दूंगा, और अभी आपको दिख भी रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए कि कौन से बैटरीज इसके साथ कंपैटिबल है जो आप इसमें लगा सकते हैं। एंड अगर आपके घर में लाइट ना हो तो भी आप शूट कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका एसी पावर इनपुट है, एंड देन दिस इज द बटन जो कि आपको ऑफ रखना है। दिस इज द मॉडल नंबर DRL18H। C9 का मतलब जो था वो सिर्फ और सिर्फ ट्राइपॉड के लिए था गाइस, ठीक है। तो अभी इसको इल्यूमिनेट करके देख लेते हैं कि कितना इल्यूमिनेशन आपको डेफिनेटली मिलता है। सो गाइस ये इसका एक मैक्सिमम इल्यूमिनेशन वाला पॉइंट है, ये भी हम देख लेंगे। ये हमने लाइट ऑन करा, ये है व्हाइट टिंच जो अभी आप लोग देख रहे हैं, दैट इज मैक्सिमम ऑफ 5600 केल्विन्स पे। इसका मैक्सिमम इल्यूमिनेशन अभी देख लेते हैं हम लोग, ये इसका मैक्सिमम इल्यूमिनेशन है गाइस, राइट। अभी हम चल रहे हैं येलो टिंच यानी कि 3200 केल्विन्स के ऊपर, जो कि आपका येलो टिंच आता है, राइट। ये येलो लाइट है या येलो टिंच हम उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं। इसका डिमिंग कैपेबिलिटी कुछ इस तरीके से है कि आप इसको इतना डिम ले जा सकते हो। अब यहां लास्ट में ले आओगे तो बिल्कुल ये ऑफ हो जाता है। आई डोंट नो ये प्रॉब्लम है या क्या है कि क्लिक होने के बाद थोड़ी देर तक ये लाइट जलती नहीं है, अब ये लाइट जलना शुरू हुई है और उसके बाद फिर हम इसको मैक्सिमम इनपुट पर ले जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आई कॉल ऑन द कस्टमर केयर एंड आई लेट यू गाइज नो कि भाई ये क्या इशू है ना, ये एक्चुअल इशू है या लाइट ऐसा ही बिल्ड है, कस्टमर केयर पर बात करके पता चल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। एंड एक चीज जो बहुत बढ़िया मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था गाइस, वो ये है कि आप इस क्लैंप को थोड़ा सा लूज करके इसको इस तरीके से रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखिए ये यहां फिट हो जाएगा। अगर आपने कुछ वीडियोस देखे हो जिसमें प्रोडक्ट के ऊपर ऊपर से लाइट पड़ रहा होता है तो वो कुछ इस तरीके से मारा जाता है, जहां आप इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हो इजिली एंड यू गाइज कैन डू वट एवर यू वॉन्ट विद दिस लाइट। ये 180 डिग्री रोटेशन पे है गाइस, तो आप इसको ऊपर की तरफ भी रोटेट कर सकते हो जब आपको सीलिंग पे लाइट चाहिए हो और आप किसी बहुत बढ़िया सी मॉडल का फोटो शूट कर रहे हो, तो आप इस तरीके से सीलिंग पे लाइट ले सकते हैं गाइस। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइट ऑफ डिजिटेक DRL18H। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, अगर ये वीडियो पसंद आया तो गाइस फटाफट से इसको लाइक कर लीजिए। अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है तो गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल है सारे मॉडल्स के, उनको आप खरीद लीजिए एंड एंजॉय कीजिए अपना शूट।
जहां पे भी आप कर रहे हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग द वीडियो एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल नॉट सो चीजी लाइफ.